रायपुर की मौदापारा पुलिस की टीम ने बॉम्बे मार्केट के पास हाथ में बटनदार चाकू लेकर आम लोगों को आतंकित करने वाले आरोपी मोहनीश साहू तथा रजबंदा मैदान स्थित सुलभ के पास हाथ में बटनदार चाकू लेकर आम लोगों को आतंकित करने वाले विनोद दास मानिकपुरी को गिरफ्तार किया गया है। रायपुर के टिकरापाला थाना पुलिस ने ई रिक्शा का किराया देकर संतोषी नगर से वापस आ रहे चालक रिजवान खान को रुकवाकर चालक से मारपीट कर ई रिक्शा में तोड़फोड़ कर चाकू से मारने की धमकी देते हुए चालक की जेब से 3500 रुपए लूटकर फरार होने वाले दो आरोपी हुसैन बारले व नितिन दीप को गिरफ्तार कर लूट की रकम व चाकू जब्त कर लिया है। कोरबा जिले की सीबीएसई पुलिस चौकी क्षेत्र निवासी गुंडा बदमाश हरीश राव, जिसके खिलाफ अमित चौहान नामक व्यक्ति के घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप था, उसे गिरफ्तार कर पैदल जुलूस निकालकर न्यायालय में पेश किया गया। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र में सड़क किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की लाश मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिलने से प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। राजधानी रायपुर के अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल में यात्रियों से धोखाधड़ी के मामले में टिकरापारा पुलिस ने 3 एजेंटों को गिरफ्तार किया है। यात्रियों ने आरोप लगाया कि डॉल्फिन बस के 3 एजेंटों ने कोटा तक का बस किराया वसूलने के बाद उन्हें जगदलपुर की बस में बैठा दिया था। रायगढ़ जिले के धर्मजगढ़ थाना क्षेत्र निवासी महिला से 12 जुलाई की देर रात रथ मेला देखकर परिवार सहित लौटते समय रास्ता रोककर अश्लील बातें कहकर छेड़छाड़ कर फरार होने वाले आरोपी श्याम यादव, हरिराम यादव और विकास यादव को धर्मजगढ़ पुलिस ने 1 महीने बाद गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ जिले की घरघोड़ा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बाईपास रोड स्थित बंगाली ढाबा के पास गांजा बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे बदमाश अंकित पांडे को गिरफ्तार कर उसके पास से 10,500 रुपए कीमत का गांजा जब्त किया है। बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र में निजी कार में पुलिस का स्टिकर लगाकर कोयला लोडकर बिलासपुर आने वाले 3 ट्रक चालकों को रोककर अपने आप को खनिज अधिकारी बताते हुए बिल्टी व रुपए की मांग कर चालक से 21,000 रुपए लूटकर फरार होने वाले आरोपियों में से एक महिला गायत्री पाटले व काशी प्रसाद उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया है। बिलासपुर की रतनपुर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के 3 स्थानों पर दबिश देकर गांजा बेच रहे 4 आरोपी कमलेश कुमार डोंगरे, कन्हैया कश्यप, प्रमीना टंडन उर्फ लटिहारीन व किरण साहू उर्फ जरही को गिरफ्तार कर 40,000 रुपए कीमत का गांजा जब्त किया है। बिलासपुर जिले की रतनपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसरा भाटा नेवसा के शासकीय गौठान के पास जुआ खेल रहे 6 आरोपियों को पकड़कर उनके पास से 13,000 रुपए नकद जब्त किया है। रायपुर की गंज थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नर्मदा पारा निवासी एक व्यक्ति के घर की छिटकिनी खोलकर 4 नग गैस सिलेंडर, एलईडी टीवी चोरी करने वाले 2 आरोपी मोनू उर्फ कैलाश मानिकपुरी तथा अमन मारखंडे को पकड़कर चोरी का सामान बरामद कर लिया है। महासमुंद जिले की सरायपाली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बलोदा की ओर से मारुति वैन में महुआ शराब की तस्करी करने वाले आरोपी टिकेश्वर को पकड़कर मारुति वैन से 20,000 रुपए कीमत की 100 लीटर महुआ शराब व 2,00,000 कीमत की मारुति वैन को जब्त किया है। रायपुर की गोलबाजार थाना पुलिस ने चोरी के आरोपी संजय यादव को पकड़कर थाने लाते समय वाहन से कूदकर भागने के दौरान घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु डीकेएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी मौत हो गई। पति की मौत के बाद उसकी पत्नी ने पुलिस पर बेवजह मारपीट करने व उसकी हत्या करने का आरोप लगाते हुए भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल से शिकायत कर दी, जिसके बाद मामला राजनीतिक रूप ले लिया। एनएच 930 बालोद दली राजा मुख्य मार्ग में जिला अस्पताल के सामने 20 जुलाई की रात 10:30 बजे बालोद पुलिस की पेट्रोलिंग वाहन की टक्कर से घायल हुए भाजपा जिलाध्यक्ष केसी पवार के इकलौते बेटे देवाशीष और भैयू पवार की मौत रायपुर के रामकृष्ण खेरा हॉस्पिटल में हो गई।
बस्तर जिले की पखनार पुलिस चौकी क्षेत्र में फसल बर्बाद करने के शक में एक भतीजे ने अपने चाचा की हत्या कर दी। घर पर सो रहे चाचा के सिर पर कुल्हाड़ी से उसने हमला किया। जब संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर चाकू से गला काट दिया। बीच बचाव के लिए पहुंची चाची पर भी हमला करने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी लखमू पोयामी को गिरफ्तार कर लिया है। कांकेर में घड़ी चौक के पास रायपुर की ओर से आ रही ट्रक ने एक बाइक चालक प्रधान पाठक को बुरी तरह से रौंद दिया, जिससे प्रधान पाठक घायल हो गया। अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। वहीं घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने ट्रक को रोककर जमकर हल्ला किया। धमतरी जिले के भगारा थाना क्षेत्र में घर की छत के कमरे में रखा नवविवाहिता के दहेज में आए बर्तन और अन्य सामानों की चोरी करने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। दहेज के बर्तन देखकर पड़ोसी की नियत डोल गई थी। चोरी के आरोप में भकारा पुलिस ने पड़ोस के दो लोगों को गिरफ्तार किया है। धमतरी में नौकरी लगाने के नाम पर करीब 5.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को कुरुत थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम बल्ला खान उर्फ अमजद खान और मनोज साहू है। इसमें से एक आरोपी मनोज साहू को पुलिस ने पकड़ने में सफलता पाई है। पुलिस ने बताया कि प्रार्थी चमनलाल चेलक ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। बलौदा बाजार जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने उधारी की रकम वापस मांगने पर हसिया से प्रार्थी के ऊपर हमला कर गंभीर रूप से घायल करने वाले आरोपी अमित डहरिया को तथा पलारी थाना क्षेत्र निवासी बाइक चालक को रोककर जेब में रखे रुपए का जबरन निकालने वाले आरोपी करण उर्फ भुखव को पकड़कर थाना क्षेत्र में जुलूस निकालकर न्यायालय में पेश किया गया। दंतेवाड़ा के किरंदुल में बड़ा हादसा होने से टल गया। किरंदुल में बने फुट ब्रिज में अचानक करंट दौड़ने लगा। इस दौरान रेलवे का केबल टूटकर गिर गया था। इसके कारण लोहे के पुल में करंट दौड़ने लगा। फुट ब्रिज पर जब तार टूटकर गिरा तब कुछ लोगों ने देख लिया था। इसकी जानकारी रेलवे को लग गई, जिसके बाद फुट ब्रिज के दोनों तरफ गार्ड तैनात कर दिए गए। सुकमा जिले की तोंगबाल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कांकेर ट्रेवल्स की बस में तीन युवक संजय कुमार बघेल, धीरेन्द्र नाग व लक्ष्मीनाथ नाग को 31 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। युवक ने गांजा 6 पैकेट में रखा था। पुलिस ने जब्त गांजे की कीमत लगभग 3 लाख रुपए आंकी है। बिलासपुर में रविवार की दोपहर तेज रफ्तार एक पिकअप महाराणा प्रताप चौक से तिफरा जा रही थी। वाहन की रफ्तार इतनी तेज थी कि पिकअप अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर में लगे बिजली के खंभे से झटक रही। टक्कर इतनी तेज थी कि पीछे बैठे दो युवक फ्लाईओवर से 15 फीट नीचे सड़क पर आ गिरे। हादसे में एक युवक की पैर की हड्डी के 2 टुकड़े में बट गई, वहीं दूसरे युवक को मामूली चोटें आई हैं। बिलासपुर शहर के पौष इलाके में छोटे व्यापारियों से लूटपाट करने वाले एक आरोपी को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी अक्कू उर्फ काशी यादव के पास से लूटे हुए सामान सहित घटना में प्रयुक्त हथियार को बरामद कर लिया। नया रायपुर रोड स्थित ललित महल में पंजाबी गायक जस मानक के संगीत में आयोजन में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ के चलते हंगामा हुआ और भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में हुई धक्का मुक्की में कई लोगों को चोटें पहुंची हैं। कई महिलाएं और बच्चे चोटिल हुए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और दर्शकों को बाहर निकालकर स्थिति को नियंत्रित किया गया। महासमुंद जिले के पिथौरा थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे की खबर निकलकर सामने आई है। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर गड़बेड़ा चौक के पास साइकिल सवार दो लोगों को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों ग्राम पांडेपाली के बताए जा रहे हैं। बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक लिंक रोड के शाखा से फर्जी दस्तावेज से लोन लेकर ठगी करने वाले दो आरोपी अजय रचक व रिकेश श्रीवास्तव को लोन प्राप्त कर लोन नहीं पटाने वाले तथा झूठा निवास स्थान का कार्य विवरण की जानकारी देकर बैंक के साथ 46,57,190 रुपए का ठगी करने के आरोप में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है।